दोस्तों, दिस इज़ अ न्यू व्लॉग। और आज भी सागर भाई का सॉरी बर्थडे कह रहा हूँ, सागर भाई का एग्ज़ाम, सागर भाई का एग्ज़ाम है और आज हम भी उनको फिर से छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज ठंड बहुत कम है, आज फॉग वगैरह बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे फॉग नहीं है बिल्कुल भी। और भाई इधर भी काम पूरा कंप्लीट होता जा रहा है धीरे धीरे इस घर में। ये देखिए दरवाजे वगैरह लग गए हैं सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल हम निकलते हैं क्योंकि हमको हो रहा है लेट और थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग। सबको पहले तो मैं गुड मॉर्निंग बोलने भूल गया। और चलिए मिलते हैं। तो हम लोग मुंशी पुलिया पे हैं और मुंशी पुलिया चौराहे पे ये जब मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें चोटिल भी हुआ है आदमी और खून वून भी लगा हुआ है, ब्लड वगैरह ड्राइवर के उस पर लगा हुआ है। इस तरीके से पुलिस चौकी के अंदर पूरा जो है जाते हुए, और ये देखिए पूरा ड्राइवर के पास में जो गेट है वहाँ पर देखिए ब्लड वगैरह सब लगा हुआ है। और ये चावल का ट्रक था मेरे ख्याल से, क्योंकि चावल वगैरह पड़ा हुआ है इस पर बोरी। पता नहीं किस होश में था बंदा, क्या था क्या नहीं था, पूरा ट्रक उल्टा आधा अंदर पूरा घुसा हुआ है। रात में पी के जो चलाते हैं गाड़ी, ये उसी की देन है। और अभी जो है कुछ बोला नहीं जा सकता कि क्या हुआ क्या नहीं, अभी मैं पता करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊँ। और आज पता नहीं भैया, आज बहुत एक्सीडेंट हो रखा है। ये देखिए एक कार ये भी एक्सीडेंट हो रखी है। ये समतामूलक चौराहे की तरफ जाने के लिए जो फ्लाईओवर है वहाँ पे जो है एक्सीडेंट हुआ है। इसका पूरा टायर वगैरह सब निकल गया। ये देखिए ये पूरा इधर से राइट वाला टायर, ड्राइवर साइड का जो टायर है वो निकल गया है। बहुत ख़तरनाक तरीके से ये भी हुआ है। और गाड़ी के अंदर ही टायर ब्लास्ट होने की वजह से ये हुआ है। इनका टायर जो है ब्लास्ट हो गया था, मैंने देखा गाड़ी के अंदर टायर पड़ा हुआ है तो पूरा ब्लास्ट हो रखा है, तो वो निकल गया है। तो भाई मतलब इसका मतलब कि ये समझ में आता है कि अभी मैंने देखा था कि वहाँ पे एक और कार जो एक्सीडेंट हो रखी है उसको भी अगर मैं कवर करता हूँ तो दिखाता हूँ। फॉग नहीं था लेकिन इसका मतलब समझ में आ रहा है कि रात में काफ़ी फॉग था इसी वजह से। या तो ये तो चलिए टायर ब्लास्ट की वजह से है, वो वाला जो है वो तो कंट्रोलिंग नहीं कर पाया था ट्रक वाला जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ठीक है। उसमें चावल वगैरह का वो ट्रक था। और अभी एक और एक्सीडेंट मैंने देखा आज, मतलब कि आज मैं अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अब टाइम मेरे को नहीं पता कितना है, लेकिन फिर भी बहुत एक्सीडेंट हुआ है आज। मतलब तीन तीन एक्सीडेंट मैं ऑलमोस्ट देख चुका हूँ। और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अपने की जो है एक और कार का एक्सीडेंट। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम है पॉलिटेक्निक चौराहे पे, और पॉलिटेक्निक चौराहे पे भी भाई एक एक्सीडेंट हो रखा है आज। पता नहीं एक्सीडेंट का दौर चल रहा था कि क्या था, ठीक है। अभी मैं रोड क्रॉस करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा और ये भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रखी है। मतलब लगते हैं पता नहीं ये आदमी क्या करना चाह रहा था, ठीक है। पूरा गजब तरीके से, मतलब कि भाई साहब पूरा एक्सल इसका पूरा तेड़ा हो गया है। भाई बहुत ब्लड भी पड़ा हुआ है। ये देखिए मेरे पीछे पूरा गाड़ी जो है ये डिवाइडर के बीचों बीच में जो है गाड़ी लड़ी है पूरा कायदे से। और पूरा गाड़ी का पूरा ये देखिए पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं बीच डिवाइडर में। मतलब कि जो रोड को क्रॉस करने के लिए गाड़ी होती है राइट रास्ता, वो पूरा रखते जो है अंदर ब्लड वगैरह भी पड़ा हुआ। ब्लड तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई वो सही नहीं है। ये देखिए पूरा एकदम पुलिस चौकी है मेरे ख्याल से। हाँ ये भी मेरे पीछे पुलिस चौकी बनी हुई है, उसी के सामने ही जस्ट करके ये कांड हुआ है। और आपको जो मैंने ट्रक दिखाया था वो तो पुलिस चौकी के अंदर ही पूरी घुस गई। पता नहीं आज कोहरा था कि क्या था इतना ज़्यादा कि लोगों को रास्ता नहीं दिखा, क्या था क्या किया जा सकता है इसके लिए। चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। और अब मेरे को लग रहा है कि फॉग हल्का हल्का बढ़ रहा है, जबकि ऑलमोस्ट 10 बज चुका है लगभग। तो लेकिन आज ठंड है काफ़ी क्योंकि आज सूरज नहीं निकला है, ठीक है, सन हुआ नहीं है। तो
तो इस वजह से करके जो है ठंड बढ़ रही है और हवा चल रही है ठंडी हुई इसीलिए। चलिए ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं जब तक के लिए। बढ़िया, हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। चाय पी करके फिर निकलेंगे। कहते यार बिस्किट दे दिए, वो निकाल दो। ये देखिए दो इतने बड़े बड़े बिस्किट हैं, कुछ पूछने को नहीं जो है, और मज़े से खाते हैं चाय बिस्किट। अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं फिर चाय पी कर। आज भैया दो तीन दिन के बाद आज हम ऑफिस आए हैं, आप सब देख करके हमको हो जाएंगे शौक। देखते हैं यार, हम ही लग रहा शौक हो जाएंगे। ले यहाँ हम लोगों को शौक करने आए थे, उल्टा हम ही शौक हो गए। ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ, अब हमको ताला खोलना पड़ेगा। चाबी भाई, चाबी चाबी, ये रही चाबी, और ये खुल गया ताला। अब चलते हैं ऑफिस के अंदर। अरे ऑफिस के अंदर लाइट करते हैं ऑन। फिलहाल ये हमारा ऑफिस, ऑफिस में और यार सब जगह का लाइट वाइट सब बंद है, क्या है सीन कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तो ऑफिस का कैबिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, ये पूरा, ये तो ऑफिस पूरा खुला हुआ है यार, ये क्या सीन है। कोई भी रूम में ताला नहीं लगा हुआ है, भाई पूरा ऑफिस करके जो है कोई नहीं, लेकिन ताले एक भी नहीं लगे हैं। ये चीज़ तो गलत है बहुत। फिर भी मैं ज़रा चेक करता हूँ थोड़ा कुछ, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं आ चुका हूँ दोस्तों आपके बीच में वापस, और मैं हूँ इस टाइम पे गुरुजी की दुकान पर, और काफ़ी दो तीन दिन हो ही गया था मिले हुए, और ऑफिस के पास में ही इनका दुकान है, तो इसीलिए टाइम पास करने के लिए जब फ्री होते हैं तो चले आते हैं गुरुजी के पास। और जो है गुरुजी की जाना नहीं है, उससे पहले जो वो चढ़ा है मार्केट, अभी जो किसान वाली मार्केट बनी है, आप देखिए ये गुरुजी को समझा रहे हैं किसान मंडी। ठीक 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 और कुछ, और कुछ बोलना है? क्या बोलना चाहते हो? है क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, 56 करोड़ रुपया चाहते हैं। 56 करोड़ रुपया कहाँ करेंगे, कहाँ रखेंगे, बिजनेस करेंगे और क्या करेंगे। देखो 56 करोड़ अगर मेरे पास आएगा तो बहुत सारे काम करेंगे, जैसे एक तो बिजनेस भी करेंगे, और दूसरा मेरा एक रिकॉर्ड रहेगा कि रोड पे एक भी भिखारी ना रहे, बस उस पैसों से मैं एक ऐसा है वो करूंगा, एनजीओ या कुछ भी करूंगा, कोई भी ऑफिस डालूंगा उनके लिए काम करूंगा। 2 करोड़ का हमको दे दीजिए, 2 करोड़ हमको दे दीजिए। नहीं मैं दूंगा किसी को नहीं, उधारी उधारी की जितनी मेहनत उतना पैसा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी। हाँ ये बात तो सही है, बात तो सही है, बिल्कुल सही है। वो भीख मांग रहे हैं और आने के लिए भी दे रहे तो क्या उन भीख ही मांगते रहेंगे। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। चलिए गुरुजी ने बहुत अच्छी सीख दी हम लोगों को, और अभी हम लोग थोड़ी देर में मिलेंगे। और ये आवाज़ बहुत भाई यार ठंडी है, देखिए मुँह से भाप तक निकल रही है भाई, इतनी ठंड हो रही है आज। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं। आज वैसे ही भगवान छुट्टी पे थे ना सूर्यदेव? हाँ हाँ सूर्यदेव छुट्टी पे था, लखनऊ में तो सूर्यदेव नहीं निकले, फॉग नहीं था, लेकिन हाँ गुरुजी आज पता है छुट्टी पे नहीं थे, आज उनकी ड्यूटी कम थी, आधे घंटे के लिए निकले थे, आधे घंटे के, हाँ आधे घंटे के लिए निकले थे। लेकिन पता है आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मुंसीपुलिया पे एक्सीडेंट देखा आप लोगों ने भाई साहब, पूरा पूरा ट्रक अंदर चला गया। वो मैंने देखा है, कहां वहीं से हो गया है, मुंसीपुलिया चौराहे पे पुलिस चौकी के अंदर, पुलिस चौकी पे ट्रक फटा हुआ है, धान से भरा हुआ है, चावल से भरा हुआ, चावल चौकी पे फटा, चौकी अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और पॉलिटेक्निक चौराहे पे एक कार ढुकी है, ठीक है, और जो अपना ये संता मूल्य के लिए फ्लाईओवर चढ़ता है वहाँ पे एक कार ढुकी हुई है। सब रात का एक्सीडेंट हो गया, सुबह का। चलिए मुलाकात करते हैं आज के लिए बस इतना ही। और आज आप लोगों को मैंने दिखाया कि भैया सवेरे कितना कोहरा था, मतलब कोहरा तो नहीं था लेकिन एक्सीडेंट इतना ज़्यादा हो रखा था, इसको बोल नहीं सकते हैं,
कृपया करके अपनी अपनी गाड़ी आप आराम से चलाएं, धीरे चलाएं और कंट्रोलिंग में चलाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।